हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 151 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले वाले 150 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उन चीजों का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 151। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर पिकलो भारी पड़ते हुए नजर आता है इस सेल के ऊपर, लेकिन सेल रुकता नहीं है। जहाँ पर पिकलो को वो बहुत तेज तेज मारता है और अब उसकी मुंडी पकड़कर सीधा ही उसके आर पार एक ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से पिकलो की वहाँ पर मौत हो जाती है। और ये बात पता चल जाती है इधर टियान, गोहान और साथ ही साथ गोकू को भी। तभी वहाँ पर सेल फेंक देता है पिकलो को सीधा ही पानी के अंदर। इधर गोहान जो है वो खुद को रोक नहीं पाता, वो जाने की कोशिश करता है। तभी गोकू उसे रोकता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक चांस है, वो भी तुम अगर गवा दोगे तो कैसे चलेगा। ये सैक्रिफाइस जो है पिकलो का, ये हमें वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। बस हमें आखिर तक एक बार ही लड़ना है जहाँ पर हम उसे हरा सकते हैं, तो अभी तुम मत जाओ। जहाँ पर गोहान बहुत तेज चिल्लाता भी है और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब हम देखते हैं पिकलो को जो कि डूबते हुए अभी भी अंदर जा रहा है पानी के। और इधर गोहान बहुत तेज तेज चिल्लाता है कि मैं अब नहीं रोक सकता खुद को, कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही होगा। इतना कहकर वो एनर्जी लेकर उड़ने लगता है। तभी गोकू उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकते। जहाँ पर मिस्टर पोपो भी उसे पकड़ते और कहते हैं कि तुम्हारे पिता को भी उतना ही गुस्सा आ रहा है और वो उतने ही ज्यादा अंदर से टूट चुके हैं जितना तुम और मैं हूँ गोहान। जहाँ पर गोहान कहता है सच में, जहाँ पर पोपो कहता है कि हाँ वाकई में, लेकिन हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है अभी कि हम उसे जाकर हरा सके। देखो तुम्हारे पिता को। जहाँ पर गोकू बहुत ज्यादा एनर्जेटिक खुद को कर लेता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। तभी गोहान उठता है और कहता है कि सॉरी पापा, मैंने ये गलती से कर दिया। जहाँ पर गोकू कहता है कि मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन तुम सोचा करो कि हमारे पास इतनी पावर लेवल नहीं है, पहले हम पावर गेन करेंगे और फिर हमला करेंगे। जहाँ पर गोकू वेजिटा को आवाज देकर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख भी रहा है। इधर हम देखते हैं अभी सेल को जो कि पानी के अंदर देखता है और उसे जब पता चल जाता है कि पिकलो आखिरकार मर गया, तभी वो आगे देखता है। जहाँ पर वो सेल को कहता है कि अब तुम लोग की बारी है। जहाँ पर वो चलते हुए आगे आ रहा है, तभी इधर ये जो एंड्रॉइड 18 है ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और टेंशन में भी। इधर ये जो एंड्रॉइड 16 है ये भी देख रहा है। तभी इधर ये जो एंड्रॉइड 17 है ये रुकता नहीं है, सीधा ही दौड़ के आता है। और इधर से ये जो सेल है ये भी दौड़ के आता है। जहाँ पर एंड्रॉइड 17 ऊपर जाता है और धड़ाम से इसको मार के नीचे फेंक देता है। जहाँ पर ये देखने को मिलता है धुआं हटने के बाद कि सेल वहाँ पर है ही नहीं। सेल है उसके पीछे जो कि दौड़ के आता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तभी वो कैसे तो करके डॉच कर रहा है। इधर एंड्रॉइड 17 अभी भी डॉच किए जा रहा है और उसके बाद इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट जारी है। जहाँ पर वो कभी पूछ से वार करता है तो कभी हाथ से, और इधर एंड्रॉइड 17 उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सेल उसे मारने में कामयाब होता है, जिससे एंड्रॉइड 17 दूर जाकर गिर चुका है। अब वहाँ पर आ जाता है सेल जो कि अपनी पूंछ डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंड्रॉइड 17 उसे कैसे तो करके डॉच करता है। तभी यहाँ पर टियान कहता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसे रोकना नामुमकिन लग रहा है मुझे। इधर हम देखते हैं बुलमा और ट्रंक्स को जो कि उड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी ट्रंक्स ने वो रिमोट ले लिया है, जिसे देखकर बुलमा कहती है कि ये मुझे दे दो बेटा और तुम ये लो सेल फोन, जहाँ पर तुम दादाजी से बात कर सकते हो। और बुलमा लगा देती है उसके पिता को कॉल, जहाँ पर ये ट्रंक्स बहुत ज्यादा खुश है, गुनगुना रहा है और कुछ तो बड़बड़ा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर रोशी ने फोन कर दिया है बुलमा को, जहाँ पर मास्टर रोशी कहते हैं कि क्रिलिन आया है तुम्हारे पास, तो क्या वो अब तक पहुँचा। जहाँ बुलमा कहती है कि नहीं, अब तक तो वो नहीं पहुँचा, आखिरकार वो क्यों आ रहा है। जहाँ पर वो बुलमा को कह देते हैं कि भाई क्रिलिन को लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, इस वजह से वो तुम्हारे पास आ रहा है। जहाँ बुलमा कहती है ऐसी बात है तो मैं और ज्यादा तेज आती हूँ, लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं कि अभी ये मजाक का टाइम नहीं है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है, तो आसपास ध्यान रखना, क्रिलिन आए तो वैसे उसे रिमोट दे देना। इधर हम देखते हैं एंड्रॉइड 17 अभी भी मार खाते हुए जा रहा है, जिसको सेल इधर से उधर फेंक देता है और जोर जोर से मारने लगता है। और उसे मारने के बाद नीचे जो एंड्रॉइड 17 पड़ा हुआ है उसको सेल पकड़ता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वो पूछ आगे बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं इधर एंड्रॉइड 16
18 को, जो कि कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। जहां एंड्रॉइड 18 कहती है कि हाँ हम सोच रहे हैं कि हम चले जाए, जहां पर ये एंड्रॉइड 16 कहता है कि तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। जहाँ पर एंड्रॉइड 18 कह देती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तो तुम क्या इसे रोक सकते हो। जहाँ एंड्रॉइड 16 कह देता है कि अगर इसे नहीं रोका तो वो इस अर्थ को तबाह कर देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, इनोसेंट्स की जान जाएगी। जहाँ पर वो कहता है कि तुम चली जाओ एंड्रॉइड 18, अब यहाँ पर मत रुको। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर टियान कहता है कि या तो ये ब्रेव है, इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, या फिर ये कोई पागल ही है जो कि सेल से लड़ने के लिए बढ़ रहा है आगे। इधर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा दो बार और मार खाने के बाद एंड्रॉइड 17 नीचे गिर चुका है। जहाँ पर अभी ये सेल अपनी पूछ उसके तरफ कर देता है, जहाँ पूछ का जो मुंह है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, जहाँ वो अभी उसे चूसने वाला है। जैसे ही उसे वो अंदर लेने वाला होता है तभी वो हंसता है और कहता है कि बस तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे अब, और मुझे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इतने ही समय में एंड्रॉइड 16 रख देता है हाथ अपना सीधा सेल के पीठ के ऊपर, जहाँ पर सेल पीछे मुड़कर देखता है, अच्छा तुम आ गए हो, और इधर जोर का मुक्का मार देता है एंड्रॉइड 16 सेल को। जहाँ सेल जो है वो बहुत दूर जाकर गिर चुका है, जो कि कैसे तो करके खड़ा होता है और कहता है अच्छा तुम में पावर है, अच्छी बात है, तो लड़ लेते हैं। जहाँ पर एंड्रॉइड 17 उठ खड़ा होता है और तभी पूछता है कि तुमने ये आखिरकार कैसे किया। जहाँ एंड्रॉइड 16 कहता है कि बस मैंने जोर का मुक्का मारा। अभी सेल दौड़ते हुए आता है इसे मारने के लिए। जहाँ पर एंड्रॉइड 17 कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। जहाँ एंड्रॉइड 16 कहता है नहीं तुम यहाँ से चले जाओ। तब एंड्रॉइड 17 पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, तुम क्यों अकेले लड़ना चाहते हो। जहाँ एंड्रॉइड 16 कहता है कि मेरे में उतनी ताकत है कि मैं सेल को हरा सकता हूँ। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जो कि दौड़ के आते हैं, और इधर एंड्रॉइड 16 बहुत अच्छे से मारने लगता है। अब एक के बाद एक वार मारे जा रहा है एंड्रॉइड 16, उधर सेल भी अटैक किए जा रहा है। लेकिन अभी टियान देखकर बहुत ज्यादा शॉक में है कि वाकई में ये अच्छा बंदा है जो कि हमें जिता सकता है। इधर अभी भी 16 और सेल के बीच में लड़ाई जारी है, जहाँ पर सेल कह भी देता है कि वाकई में तुम्हें ताकत तो है लेकिन अकल नहीं है। जहाँ पर अभी ये सेल बहुत अपनी एनर्जी बढ़ा देता है और दौड़ के मारने आ जाता है सीधा ही इस 16 को। अब मारने के बाद इधर ये शोल्डर भी लगा लेता है और अपना सर भी, लेकिन ये दोनों टस से मस नहीं हिल रहे हैं। और तभी इधर ये जो सेल है ये अपनी पूछ सीधा ही गर्दन के अंदर घुसेड़ देता है एंड्रॉइड 16 के। अब घुसाने के बाद इसके आंखें बंद हो जाती है, जहाँ सेल कहता है कि यही तुम्हारा वीक पॉइंट है, मुझे पता है। जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा शॉक में हैं, कौन एंड्रॉइड 17, 18 और टियान भी। जहाँ पर सेल सिंपली कह देता है कि मुझे पता था तुम बेहोश हो जाओगे, तो अब मैं तुम्हें खा लूंगा। और तभी इधर एंड्रॉइड 16 जो है वो हंस लेता है, जहाँ वो कहता है कि नहीं, डॉक्टर जीरो ने मुझे इस तरह से नहीं बनाया कि तुम कहीं पर भी मुझे हाथ लगाओगे और मैं बेहोश हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। अब वो पूछ पकड़ता है इस सेल की, सीधा ही उसे ऊपर उठाता है और जमीन पर पटक देता है। अब पटकने के बाद वहाँ पर गायब हो चुका है सेल, जो कि ऊपर उड़के हुए जा रहा है। तभी ये एंड्रॉइड 16 जो है वो उसके साथ ऊपर उड़ते हुए आता है, जहाँ पर सेल कुछ ही दूर जाता है और रुक जाता है। जैसे ही उसके सामने ये 16 आता है वैसे ही सेल उसे मार गिराता है, फिर क्या सेल भी उसे मारता है। अब एक दूसरे की लड़ाई जारी है, जहाँ पर सेल ने अभी पकड़ लिया है अपनी पूछ से इस एंड्रॉइड 16 का गला और अभी उसे पूरी तरह से दबोच ही लेता है। तभी वहाँ पर वो एनर्जी ब्लास्ट करने वाला होता है इस 16 के ऊपर, लेकिन ये 16 अपनी आंखों के अंदर से लेजर निकालकर उसे दूर फेंक देता है। जहाँ पर अभी सेल नीचे गिर चुका है जो कि उठने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर ये एंड्रॉइड 16 कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं नहीं हरा पाता, लेकिन अब देखो, अब 16 ने पकड़ ली है पूछ सेल की और तेज तेज उसे खींच रहा है, और खींचते ही वो तोड़ के फेंक देता है उसे। जहाँ पर ये सेल बहुत ही तेज तेज चिल्ला रहा है, जहाँ ये 16 कह देता है कि तुम्हारी जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग पावर थी जिससे तुम ये कर रहे थे वही मैंने तोड़ के फेंक दी, अब तुम एक नादान से कीड़े रह चुके हो। जहाँ पर सेल खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि कीड़े इस तरह से नहीं कर सकते, जहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली राज। जहाँ वो अपनी जोर लगाकर पूछ फिर से उगा देता है, जहाँ पर वो कहता है कि थैंक्स टू पिकलो मुझे ये बात पता चली कि मेरे पास भी वो एनर्जी है रीगेन करने की। जहाँ पर उसकी पूछ वापिस आ चुकी है और ये सेल और ये एंड्रॉइड 16 देखकर बहुत ज्यादा ये दो
दोनों ही शौक में है क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है और उसने पूछ वापिस ला ली है। तो अब ये तीनों लोग जो है एंड्रॉइड 18, 17 और टियान ये बहुत ज्यादा शौक में है कि क्या अब वाकई में एंड्रॉइड 16 जो है वो सेल को हरा पाएगा। जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।